अभी हम लोग विशेष तौर पर जो है ना युवाओं के साथ जो झारखंड सरकार ने ठगने और छलने का काम किया है उस विषय को लेकर आज का आंदोलन है। आप उस छूता कहाँ है? आप भी तो महंगाई कम करने की बात किए थे और महंगाई आसमान छू रहा है। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितने सेवा का काम कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, एक एक आदमी को मिल रहा है, चाहे वो शौचालय, बहुत सारे जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। सरकार का एजेंडा था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उन्हें परमानेंट करूंगा, जो बेरोजगार युवा है उन्हें भत्ता दूंगा, महिलाओं को सम्मान दूंगा, वृद्धा को पेंशन दूंगा। ये सरकार आते के साथ इस सरकार का पहला मुद्दा कि जो भी आज हमारे 50 लाख तक की रजिस्ट्री 1 रुपये में होने वाली थी, सबसे पहले ये महिला विरोधी सरकार कि उस महिलाओं को सम्मान को तोड़ते हुए उस एजेंडा को खत्म कर दिया इन्होंने और 1 लाख रुपये की रजिस्ट्री को खत्म कर दिया। युवाओं को जो सरकारी भत्ता देने की बात की, युवाओं को तो किसी भी प्रदेश में एक भी युवा को कोई भत्ता नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला। यहाँ दिन दहाड़े महिलाओं को शोषण किया जा रहा है। उस सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है, हेमंत सरकार की पाप की घड़ा भर चुकी है और सारे युवा जाग चुके हैं, सारे महिला जाग चुके हैं, सब जान चुके हैं कि ये ठगबाज सरकार, ये भ्रष्टाचार सरकार जो बालू चोरी, कोयला चोरी, लोगों को ठगने का काम कर रही है, सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। और चौक चौराहा में युवा मोर्चा के द्वारा इसको कर्मी भ्रष्टाचारी पापी सरकार के द्वारा चौक चौराहा में पाप का घड़ा फोड़ा जा रहा है। जिस तरह से राज्य में झूठे वादे करके चुनाव के समय 1.5 लाख युवाओं को बोला, बेरोजगार युवाओं को बोला कि नौकरी दे करके, लेकिन आज 1.5 वर्ष बीत गया लेकिन एक भी नौकरी के नाम पर यहाँ के युवाओं को ठगा गया है। आज इसको विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।